नमस्कार दोस्तों, सरकारी आदमी YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। कोविन टेम्प्लॉयज पेंशनर फैमिली पेंशनर से जुड़ी हर खबर सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब करें सरकारी आदमी YouTube चैनल को, ताकि लेटेस्ट गवर्नमेंट अपडेट से हम आपको अवगत करा सकें। दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो के थंबनेल में देख चुके हैं, आज की हमारी वीडियो पेंशन भोगियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की पेंशन रिवीजन को लेकर जो प्रपोज फॉर्मूला गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है 7th Pay Commission के अकॉर्डिंग, उसी के बारे में आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट के द्वारा पेंशन के लिए 2 फॉर्मूला यहाँ पर तैयार किए गए हैं, जितने भी हमारे ओल्ड रिटायरीज हैं उनके लिए, और उन फॉर्मूले पर गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन है उसको भी हम यहाँ पर आज एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर हैं, फैमिली पेंशनर हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो आपको वैल्यूबल लगी तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, 1 जनवरी 2016 से 7वां वेतन आयोग लागू हो गया था, और 7वां वेतन आयोग जब लागू हुआ तो उसके लिए, उसकी रिकमेंडेशन के लिए यहाँ पर एक पैनल गठित हुआ था, और उस पैनल ने जो सिफारिशें दी थी कि किस तरह हमारे पेंशनर, फैमिली पेंशनर की पेंशन को यहाँ पर 7वें वेतन आयोग के हिसाब से रिवाइज किया जाएगा, उसी को यहाँ पर पैनल को ने ये रिपोर्ट गवर्नमेंट को सौंप दी थी, और गवर्नमेंट के ऊपर ये जिम्मेदारी सौंपी थी कि जो भी ये बेस्ट फॉर्मेशन होगा इन दोनों फॉर्मूले में से, जो भी यहाँ पर पेंशनर के लिए ज़्यादा यहाँ पर लाभदायक होगा वही पेंशनर के लिए लागू किया जाए। तो इसके लिए जो 7वां वेतन आयोग में जो मेन कंसर्न का इश्यू था, ये पेंशन फॉर्मूले का जो 2 सेट दे रखे थे ये था। तो इसके बाद यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया, गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन रहा पे पैनल की रिपोर्ट के बाद, वो हम यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं। तो गेजेट नोटिफिकेशन 4 अगस्त 2016 को जारी किया गया, जिसमें पे पैनल ने एग्जामिन किया कि जो स्ट्रक्चर होगा पेंशन का, या फिर अदर जो पेंशनरी रिटायरमेंट बेनिफिट होंगे, इंक्लूडिंग रिविजन ऑफ पेंशन इन द केस ऑफ एम्प्लॉयज, जो कि यहाँ पर 7वें वेतन आयोग लागू होने से पहले रिटायर हुए हैं उनके केस में है, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है पूरा एग्जामिन किया गया, और पैनल ने एक फ्रेश रिकमेंडेशन दी, और जो रिटायरमेंट बेनिफिट होंगे जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो कि यहाँ पर 1 जनवरी 2004 या फिर उसके बाद अपॉइंट हुए हैं कवर्ड बाय न्यू पेंशन स्कीम, तो उनको यहाँ पर किस तरह बेनिफिट दिए जाएंगे। तो यहाँ पर जो पेंशन फॉर्मूलेशन दे रखे हैं, सभी सिविल एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग हमारे CAPF के पर्सनल जो कि 1 जनवरी 2016 से पहले यहाँ पर रिटायर हो गए हैं, उनके लिए जो पे पैनल ने रिकमेंड किया है पहला फॉर्मूला वो इस प्रकार है। तो पे कमीशन ने इसमें जो रिटायर हमारे कर्मचारी हैं 1 जनवरी 2016 से पहले इंक्लूडिंग CAPF फर्स्ट फॉर्मेशन दे रखा है कि उनकी पेंशन को किस तरह फिक्स किया जाएगा। तो सबसे पहले उनको यहाँ पर पे मैट्रिक्स जो कि यहाँ पर 7वें वेतन जो भी आपकी रिकमेंड की है पे कमीशन के द्वारा, उसमें यहाँ पर उसके पे को फिक्स किया जाएगा ऑन द बेसिक ऑफ पे बैंड और ग्रेड पे जिससे वो रिटायर हुए हैं। मिनिमम उस मैट्रिक्स के लेवल के अंदर उसको फिक्स कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखा जाएगा कि उसने अपनी सर्विस काल में कितने इंक्रीमेंट यहाँ पर लिए हैं, जितने भी इंक्रीमेंट उनको ने यहाँ पर अर्न किए हैं वो 3% रेट के हिसाब से उसके साथ ऐड कर दिए जाएंगे। तो जितना यहाँ पर टोटल उसका अमोलमेंट बनेगा उसका 50% जो होगा उसको यहाँ पर पेंशन के रूप में प्रोवाइड किया जाएगा, और उसका 30% होगा वो फैमिली पेंशन के रूप में प्रोवाइड किया जाएगा, और ये जो हमारी पेंशन निकल के आएगी ये होगी हमारी रिवाइज पेंशन एज पर 7CPC। उसके बाद पेंशन फॉर्मुलेशन का सेकेंड फॉर्मूला वो इस प्रकार है कि जो हमारी पेंशन फिक्स की जाएगी इससे 7वें पे कमीशन के रिकमेंडेशन से पहले जो 6th Pay Commission था उसमें जो आपकी पे होगी उसको 2.57 के मल्टीपल फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, और जो यहाँ पर वैल्यू निकल के आएगी वो होगी आपकी रिवाइज पेंशन। तो पैनल ने ये भी रिकमेंड किया कि पेंशन के पेंशनर जो हैं उनके पास ये ऑप्शन होगा कि इन दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला वो चूज कर सकते हैं, लेकिन ये नोट किया गया कि जो फॉर्मूला 1 है उसको इम्प्लीमेंट होने में कुछ समय लगेगा, इसलिए पहले इंस्टांस पे जितने भी हमारे पेंशनर हैं, फैमिली पेंशनर हैं, उनको इंट्री मेजर के रूप में फॉर्मूला 2 के हिसाब से उनकी रिवाइज पेंशन को कैलकुलेट किया जाएगा।
और जो भी अमाउंट आएगा, मतलब अगर जब हमारा फॉर्मूलेशन वन, मतलब पहले फॉर्मूला अगर हम यूज करें, वो फॉर्मूला टू से ज़्यादा फायदेमंद है, तो जो हायर यहाँ पर वैल्यू आएगी, जो डिफरेंस आएगा, वो भी पेंशनर को पेड कर दिया जाएगा। मतलब इनका साफ साफ कहना है कि फॉर्मूला वन लागू होने में कुछ टाइम लगेगा, तब तक पेंशनर को फॉर्मूला टू के हिसाब से रिवाइज पेंशन दी जाएगी, और फॉर्मूला वन इम्प्लीमेंट होने के बाद अगर पेंशनर की पेंशन फॉर्मूला वन से ज़्यादा बनती है, तो जो डिफरेंस होगा उनके अकाउंट में पेड कर दिया जाएगा। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर कहा है कि जो दोनों ऑप्शन है 7CPC के हिसाब से, वो यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन की फिजिबिलिटी को लेकर यहाँ पर लागू किए जाएंगे। तो जो फॉर्मूला होगा, मतलब इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फॉर्मूला वन जो है, वो यहाँ पर इमीडिएटली जल्द ही यहाँ पर लागू हो जाएगा। तब तक जितने भी हमारे पेंशनर हैं, फैमिली पेंशनर हैं, उनको यहाँ पर फॉर्मूला टू के हिसाब से रिवाइज पेंशन का फ़ायदा दे दिया गया है। और अभी इन्होंने कहा है कि इमीडिएटली फॉर्मूला वन भी यहाँ पर सभी पेंशनर, फैमिली पेंशनर पर लागू हो गया है, और उनको रिवाइज पेंशन फॉर्मूला वन से भी दे दिया जाएगा। अगर डिफरेंस जो है उनका फॉर्मूला टू के हिसाब से जो पेंशन निकल के आ रही है वो कम बनती है एज कम्पेयर टू फॉर्मूला वन के हिसाब से, तो डिफरेंस जो अमाउंट पेंशन की बनती है वो भी उनको पेड कर दी जाएगी। तो ये थी हमारे पे पैनल, जो सातवें वेतन आयोग जब आया था उस टाइम पर, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी कि किस तरह हमारे पेंशन भोगियों की पेंशन रिवाइज होगी, उसके द्वारा प्रपोज दो फॉर्मूले जो कि हमारे रिटायरी के लिए एप्लीकेबल होने वाले हैं, और गवर्नमेंट का इनके ऊपर क्या रिएक्शन था, वो इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बता दिया है। वी होप वीडियो में दी गई जानकारी आपको वैल्यूबल लगी होगी, आपको पता चल गया होगा कि किस तरह आपकी पेंशन रिवाइज पेंशन कैलकुलेट की जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।